बॉलीवुड के खूंखार विलेन अमरीश पुरी की बेटी है बेहद खूबसूरत। फिल्मों से दूर इस फील्ड की है रानी अमरीश पुरी। बॉलीवुड के एक ऐसे विलेन थे जो फिल्मों में हीरो पर भारी पड़ जाते थे। अमरीश की मिस्टर इंडिया, नगीना, नायक, दामिनी और कोयला जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग को भुलाना मुश्किल है। 80 और 90 के दशक में अमरीश फिल्मों का अहम हिस्सा हुआ करते थे। अमरीश ने हिंदी ही नहीं हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम में भी काम कर चुके थे। अमरीश पुरी के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है, इसलिए आज हम आपको अमरीश नहीं बल्कि उनकी बेटी नम्रता के बारे में बताएंगे। 400 फिल्मों में काम कर अमरीश पुरी इतने पॉपुलर हुए, लेकिन उनकी बेटी कहाँ है और क्या कर रही है? वो क्यों फिल्मों में नहीं आई, जबकि स्टार किड्स तो फिल्मों में अपनी लॉन्चिंग के लिए बेताब रहते हैं? फिर अमृता ने फिल्मों में क्यों कोशिश नहीं की? अमरीश की एक ही बेटी है, नम्रता लाइमलाइट से दूर रहती है। नम्रता बाकी स्टार किड्स से काफी अलग हैं। सादगी भरी लाइफ जीने वाली नम्रता आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नम्रता का बॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा नम्रता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है। नम्रता की शादी हो चुकी है और उनकी भी एक बेटी है। बता दें कि अमरीश पुरी का एक बेटा भी है जिसका नाम राजीव पुरी है। राजीव भी अपने बिजनेस में बिजी हैं। अमरीश पुरी एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आए थे, लेकिन कई स्क्रीन टेस्ट में फेल होने के बाद उन्होंने लिख में नौकरी कर ली। इसी के साथ वो पृथ्वी थिएटर में एक्टिंग करने लगे। थिएटर करते करते वो धीरे से विज्ञापनों में भी आने लगे। अमरीश को बॉलीवुड में पहला रोल 39 की उम्र में मिला था। इस फिल्म का नाम था रेशमा और शेरा। फिल्म में उन्होंने वहीदा रहमान और सुनील दत्त के साथ काम किया था। कई फिल्मों में यादगार रोल निभाने के बाद अमरीश का 12 जनवरी 2005 को ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया था।